आपको कुछ आइडिया नहीं है ना क्या हो रहा है एक्चुअली जी एक्चुअली आज हरमन मंदिर आए हैं क्योंकि वो सौम्या की तलाश में है. ऐसा फैमिली को ऐसा पता चला है हरमन जस्टीन और पूरी फैमिली को कि सौम्या को शायद कुछ हो गया है. मे बी शी इज़ नो मोर. लेकिन हरमन इस बात को मानने को तैयार नहीं है. तो आज वो मंदिर आए हैं और उन्होंने मन्नत मांगी है और वो ऐसी अरदास कर रहे हैं कि वो अपनी हथेली पे दिए जलाएंगे और तब तक दिए जलाएंगे रोज़ आके मंदिर कि जब तक सौम्या का कुछ पता नहीं चल जाता. हाँ जी, हरमन को इस हालत में देख के बहुत तकलीफ हो रही है. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो इतने ट्रॉमा से गुजर रहा है. सो यही उम्मीद है कि या तो उसे सौम्या का कुछ पता चल जाए. मे बी जो हमें लगता है वो सच ना हो. मे बी हरमन इज़ राइट. हम सब यही होप करते हैं कि हरमन इज़ राइट. बट अगर बाई चांस वो नहीं है सही तो वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसकी अब हालत बहुत बुरी है. वो इस स्टेज पे है, वो ऑलमोस्ट एज पे है, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे है. तो अगर ये बात सच निकली कि सौम्या को सच में कुछ हो गया है तो शायद इसका असर हरमन पे बहुत बुरा पड़े. कोशिश पूरी है. हरमन और जस्टीन दोनों की कोशिश पूरी है. जस्टीन ने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स दिए, जगह जगह जाके सौम्या को खोजा, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत तरीके अपना रहे हैं सौम्या को ढूंढने के. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी खबर मिली है पुलिस स्टेशन से कि किसी लड़की ने सुसाइड कमिट कर दिया या कुछ इंसिडेंट हुआ था जहाँ वो डूब के मर गई और वहाँ पर सौम्या की ज्वेलरी और उसके कपड़े पाए जाते हैं. सो ऐसा मान रहे हैं लोग अब कि हो सकता है इसकी सौम्या की डेथ हो गई. तो कहीं ना कहीं जस्टीन को भी ये हो गया है कि हाँ वो सौम्या ही हो सकती है या फिर नहीं. होप तो पूरा है कि शायद वो सौम्या ना हो. होप पूरा है इस बात का. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच हो सकता है तो ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात, ये बात हरमन को एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी. तो दैट इज़ द चैलेंज. एंड उस वो सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है बिकॉज हरमन की अभी कंडीशन बहुत सेंसिटिव है. अभी आने वाले एपिसोड्स मेरे हिसाब से काफ़ी ड्रामेटिक है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में स्टोरी जाती है, चाहे वो ये बात सच निकले या ना निकले, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होने वाले हैं. मतलब अगर सौम्या एक्चुअली इज़ नो मोर तो हरमन की सिचुएशन हैंडल करना, हरमन की लाइफ में अब क्या होगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है. एंड अगर सौम्या एक्चुअली अभी भी ज़िंदा है तो वो कहाँ है उसे ढूंढना पड़ेगा. तो वो हमें मिल भी जाती है तो क्या वो हरमन को वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगी, क्या वो इस घर में वापस आएगी, घर वाले उसको क्या एक्सेप्ट करेंगे. तो ये सब बहुत ड्रामेटिक सिचुएशंस अभी आने वाली हैं. थैंक यू.